आजादी मिले 77 साल हो गए, मगर आज भी कुछ लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई, उनकी जिंदगी बद से बदतर है। हम बात कर रहे हैं जिला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गांव केवटली नानकार की, जहां पर दलित आबादी आज भी रास्ते व नाली के लिए तरस रही है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बरसात के दिनों में रास्ते पर पानी भर जाता है और पानी में चलकर ही जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा तकलीफ यहाँ गर्भवती महिलाओं को होती है, कहीं कोई इमरजेंसी में अस्पताल जाना हुआ तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बस्ती के लोग आज भी नलों के आगे गड्ढा खोदकर घर का गंदा पानी जमा करने को मजबूर है, क्योंकि नालियों का निर्माण ही नहीं है। कई लोगों के पास आवास, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड तक नहीं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि राशन कार्ड बनवाने के ग्राम प्रधान ने पैसे भी लिए, मगर कोई कार्ड नहीं बना। सरकार दिव्यांगों के लिए भी पैसा पानी की तरह खर्च करती है, लेकिन इसी दलित बस्ती के दो दिव्यांग के पास खाने तक के लाने है, क्योंकि राशन कार्ड, पेंशन या कोई और सरकारी लाभ उसे प्राप्त नहीं, और सरकारी हैंडपंप भी खराब पड़े, जो कई बार प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक में कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कागज में सीसी रोड बन गया है और पैसा भी भुगतान हो गया, लेकिन अभी तक जमीन पर सीसी रोड ही नहीं बना। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच करने की मांग की। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। लेकर रहने वाले साहब का बोला था, पानी का परेशानी है, नाली का पानी कहूँ जाए लायक नहीं है। घर के सामने गढ़ा के कभी पानी जाता है, ये कुल परेशानी है हमरन का। पानी नहीं कहूँ घर वक्त में बरसात में है तो कहूँ नहीं पानी गढ़ी गुड़ा हम नहीं जाए पावत का, तो बड़ा परेशानी है। लड़के गिर जाए तो मन काला था, परेशानी बढ़। भवन बहुत पहले से बना हुआ था, अब ये जर्जर हो गया है। इस अभी भी यहाँ पे जो जमीन बाकी है, ये ग्राम सभा की जमीन है, जर्जर होने के कारण जो है यहाँ आया था पंचायत भवन बनवाने के लिए, लेकिन दूसरी जगह बनवा दिया गया है। तो हम लोगों से ये प्रार्थना है कि अगर यहाँ पे हमारे चमार बिरादरी के लोग हैं तो यहाँ पर आकर के कोई नियम ऐसा लागू कर दिया जाए कि शादी विवाह के लिए, ताकि हमारे समुदाय के लोग जो है यहाँ पे अपनी शादी विवाह तो कर सकते हैं। यहाँ पे पंचायत भवन के में 5-6 मंडी 7 मंडी तक जमीन है। हमारे समुदाय के लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे इस समुदाय के चमार लोग के बाल बच्चों का शादी ब्याह जो होता है वो दूसरे के यहाँ जाने के लिए जो स्कूल वगैरह है वो मना करते हैं, तो इसलिए यहाँ जो है हमारी व्यवस्था के लिए कुछ शादी ब्याह के लिए बनवा दिया जाए तो अच्छा है। नाम फूलचंद चौधरी। समस्या यह है कि ये सड़क राम दुलारे के घर से श्रीपूजन के खेत तक कागदी में बन चुका है और रियल में नहीं बना हुआ, जो सड़क अभी भी निर्माण नहीं हुआ है, और इसके लिए कंप्लेन दिए हुए हैं कई बार, लेकिन प्रधान काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, 2019 में कार्य हुआ है, पैसा निकल चुका है, लेकिन अभी सड़क पे कोई कार्य नहीं हुआ। इतना सीसी रोड चला हुआ है, नहीं पानी ज़्यादा बारिश होती तो मेरे घर में पानी भरता है, प्रधान कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अंतर्गत आने वाले गाँव केवटली नानकार में ग्रामीणों का आरोप है कि अब दलित बस्ती के, कि उनके बस्ती में अभी भी नालियों की सुविधा नहीं दी गई है और ना ही रोड और रास्ते हैं। जैसा आपने संज्ञानित किया है, ये डुमरियागंज ब्लॉक का गांव है, इस पे जल भराव और नाली के जो प्रॉपर निकासी की व्यवस्था नहीं है पानी की, तो अभी हम इसमें अपनी टीम भेजेंगे और देखेंगे कि कंसल्टिंग इंजीनियर के साथ कि नाली की क्या व्यवस्था हो सकती है वहाँ, ताकि ग्रामवासियों को जो भी हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं उनको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना करना पड़े। सर, कुछ गाँव वालों का ये भी आरोप है कि गाँव के प्रधान के द्वारा पैसे निकाले गए रास्ते बनाने के लिए, मगर अभी तक उन रास्तों का निर्माण नहीं हुआ। वो भी हम चेक करा लेंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च हुआ है और वो काम मौके पर नहीं आ रही है।